एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ लहंगे पे अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप कैसे हेयर स्टाइल करोगे। मुझे कमेंट आई थी इसके लिए तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मेरे बाल तो इतने ज्यादा छोटे नहीं है बट मैं आपको छोटे बालों के लिए शेयर करूंगी। तो अगर आप चैनल पे तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये मेकअप मैंने कैसे किया है इसका पूरा डिटेल मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है पूरी बारीकियों के साथ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटे बालों पे लहंगे के लिए, छोटे बालों के लिए हेयर स्टाइल। तो सबसे पहले आपको इस हेयर स्टाइल के लिए, जैसे आपके छोटे बाल है तो आप ओपन तो रख नहीं पाओगे, ओपन ही रखना होगा आपको अगर बहुत ज्यादा छोटे हैं तो। और थोड़ा मोड़ा मीडियम है तो उसके लिए बता देती हूँ, मेरे भी बाल बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, आप लेंथ देख सकते हो इतनी है, तो जूड़ा भी बता दूंगी। पहले आपको ओपन हेयर के लिए बता देती हूँ, तो अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपको हेयर स्टाइल के लिए क्या करना है, तो इस तरीके से आपको बालों को अपर डायरेक्शन में कॉम कर लेना है। सारे साइड से कैसे कैसे हेयर स्टाइल रखना सब कुछ बताने वाली हूँ। छोटे बाल हैं तो इस तरीके से आपको अपर की तरफ लेके जाना है, हल्का सा ट्विस्ट करना है, आगे की तरफ पुल आउट करना है इस तरीके से, मांग निकाल लेनी है एंड लेयर्स जरूर निकालिएगा जो आपके लुक को काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाएगा। लेयर्स निकालने के बाद से अगेन अपने बालों को अच्छे से सेट कर लीजिए, आगे की तरफ पुल करेंगे एंड बॉबी क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। बस आप इस तरीके से करके भी लहंगे पे अगर आपके बाल यहाँ तक की लेंथ में है तो ये वाला लुक भी काफी अच्छा लगेगा आपके बालों पे, और आपके लहंगे के साथ ये लुक काफी आपके लुक को काफी अच्छा बनाएगा। तो आप ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है, सिंपल है, वो भी सिर्फ दो बॉबी क्लिप की मदद से आप कर लोगे। अगर आपका भी इस तरीके से बीच से मांग निकल जाए तो इस तरीके से हेयर को लेना है, थोड़ा सा खींच देना है जिससे कि आपकी बीच की मांग जो है वो हाइड हो जाए। अगर नहीं हाइड हो रही है तो आपको क्या करना है, सॉरी, सेटिंग स्प्रे लेना है और इस तरीके से की पतली दांत वाली कॉम लेनी है और सेटिंग स्प्रे को थोड़ा सा कॉम पे लेना है और आपका जो जहां से मांग निकल रहा है वहां पे इस तरीके से कॉम कर दोगे बस, और आपकी मांग हाइड हो जाएगी। तो ये टिप्स था और ये फर्स्ट हेयर स्टाइल है जो आप लहंगे पे छोटे बालों पे बना सकते हो। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में अगर आपको बालों को बीच से पार्टीशन रखना है तो आपको सिंपली इस तरीके से बीच से कर लेना है बालों को, ओके और आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली अपने दोनों साइड से बालों को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाओगे और यहाँ पे एक क्लिप लगा देंगे। छोटे बालों पे ये भी काफी अच्छा लगेगा, लहंगा डाल देगा तो। सेकेंड लेयर लेंगे, फिर एक क्लिप लेंगे और इसको लगा देंगे। सेकेंड लेयर में आपको दो क्लिप्स लगानी पड़ेंगी, फर्स्ट लेयर में भी दो क्लिप लगा लीजिएगा लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको बता रही हूँ जैसे होल्ड हो जा रहे मेरे हेयर वो उस तरीके से रख ले रही हूँ। तो इस तरीके से आपको हेयर स्टाइल बनानी है जो कि आपके लहंगे के साथ काफी अच्छा लगेगा। इस वाले हेयर स्टाइल के साथ आप बहुत बड़ा वाला मांग टीका अप्लाई करोगे, काफी ब्यूटीफुल लगेगा आपका लुक। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया छोटे बालों के लिए एंड लहंगे के लिए ओपन हेयर के साथ खुले बालों में, ओके तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली आपको दोनों साइड से हेयर को लेना है इस तरीके से और इसको ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्टिंग को थोड़ा सा लंबा रखना है एंड इस तरीके से पुल करना है एंड सेंटर में ले जाके बीच में लगा देना है क्लिप। दूसरी साइड से भी आपको ऐसे ही करना है,
ट्विस्ट करना है और उसी ट्विस्टिंग के ऊपर रखना है और क्लिप लगा देनी है। और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया लहंगे के लिए छोटे बालों में। देन इस तरीके से आपको ट्विस्टिंग करनी है। तो जहां पे आपकी क्लिप्स है उसके चारों तरफ इस तरीके से राउंड राउंड लपेट देना है और बॉबी क्लिप या फिर सिंपली यू क्लिप से इसको इस तरीके से सिक्योर कर लेना है। दो यू क्लिप्स लगेंगे यहाँ पे। और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया लहंगे के लिए छोटे बालों में। काफी अच्छा लगेगा, आप इसको साड़ी पे भी ट्राई कर सकते हो, काफी ब्यूटीफुल रहेगा आपका हेयर स्टाइल। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ, साइड पार्टीशन से कैसे रखना है आपको हेयर स्टाइल। साइड पार्टीशन के लिए आपको पहले साइड पार्टीशन निकालनी है बालों की। अब आपको यहां से सिंपली बालों को फ्रेंच चोटी बनानी है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा लेयर लेके गुथते जाएंगे दोनों साइड से मिक्स कर करके। बहुत ज्यादा नहीं गूंथना है आपको, अपने क्राउन एरिया तक ही गूंथना है हेयर को। यहां से हेयर को हटाएंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे और बॉबी क्लिप से इसको सिक्योर कर देंगे और हेयर को क्लिप के ऊपर डाल देंगे ताकि जो हमारी क्लिप है वो दिखाई ना दे। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया लहंगे के लिए साइड पार्टीशन से। ओके, तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया। पांचवे हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से साइड पार्टीशन रखनी है। देन यहां से आपको इस तरीके से बालों को लेना है, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपली नॉट लगा देंगे। ओके, मतलब गांठ लगा देंगे और ये वाला लेयर छोड़ेंगे, इसके साथ सेकेंड लेयर मिलाएंगे और फिर इसको पकड़ेंगे और जो हमने यहाँ पे रखा था हेयर उसके साथ पकड़ के गांठ लगाएंगे, फिर से ये वाला लेयर छोड़ देंगे और फिर सेकंड यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से नॉट लगाएंगे। इसी तरीके से आपको ईयर तक टाइटली एकदम रखिएगा, कान तक आपको लेके जाना है। छोटे बालों के लिए ये भी हेयर स्टाइल बेस्ट रहेगा। इन दोनों को पकड़ेंगे एंड हेयर को हटाएंगे और बॉबी क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे और हेयर को ऊपर की तरफ से डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा इसको खींच लेंगे। तो ये हो गया हमारा पांचवा हेयर स्टाइल, लहंगे के लिए बेस्ट रहेगा। मैं तो कहूंगी हमने साइड से बनाया था वैसे ही करके आपको बस छोड़ देना है, बट दूसरी साइड से भी अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं। और कौन सा हेयर स्टाइल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय।